हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेंडर स्मार्ट पर स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो माउस का कर्सर है उसको आप इस टाइप का कैसे बना सकते हो। ये देखिए गाइस, किस टाइप का एनिमेशन ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस, अब मैंने ये जो कर्सर का जो एनिमेशन तो हटा दिया है, तो गाइस अब मैं आपको बताऊँगा कि इस कर्सर को आप एनिमेटेड कर्सर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो गाइस चलिए अपने डैशबोर्ड में। ठीक है, डैशबोर्ड में जाने के बाद गाइस आप वैसे कोड भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पर प्लगइन है इसके लिए। ठीक है, तो मैं प्लगइन बता देता हूँ आपको, बहुत ही इजी प्लगइन है गाइस। यहाँ पे कस्टम कर्सर टाइप किया, कस्टम कर्सर या डबल पी माउस कर्सर ये है, और एक ये भी है गाइस, ये दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एक ये भी है, तो हम इसको ऐड करते हैं। ये भी काफ़ी अच्छे है, इसको आप चेक कर सकते हैं। डिलीट, जैसे गाइस आप एक्टिवेट करोगे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ओनली यहाँ पर वेबसाइट को रिफ्रेश करना है। सो गाइस ये देखिए, आपका कर्सर एनिमेटेड हो गया। ठीक है, इस टाइप से आप इसमें एनिमेशन लगा सकते हैं और अपने कर्सर को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको इसका कलर चेंज करना है, मैंने भी यहाँ पर इसका कलर चेंज कर रखा है, तो सिंपली आप CSS से कर सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, सबसे टॉप में अगर आप जाओगे तो बॉडी टैग है। ठीक है, अगर वहाँ पे आप जाओगे तो ये है WP कस्टम कर्सर ID फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ID लेके और इनको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर करा है। ठीक है, WP कस्टम कर्सर ID फर्स्ट बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड एंड ये मैंने इम्पोर्टेंट लगा दिया। ठीक है, तो उससे पहले गाइस ये क्या था, ये यहाँ पर रेड कलर में था। ओके, ये देखिए रेड हो रहा है ना। ठीक है, ठीक है, ये देखिए रेड है। ओके, तो सेकेंड, तो इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए ओके गाइस, तो ये पहले रेड था, मैंने इसका कलर यहाँ से चेंज करा है। ठीक है, स्टाइलिंग आप एडिशनल CSS से ऐड कर सकते हैं। आपको एक आइडिया देना था कि कैसे आप कस्टम कर्सर क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, तुम चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच। वीडियो में लास्ट तक बने रहना।